उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के अनुरोध पर एनएचटीसी कंपनी द्वारा 20 लाख रुपए का सीएसआर फंड जारी किया गया। इस फंड से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सांसद अनिल फिरोजिया ने एनएचडीसी के प्रबंधन को पत्र लिखकर कंपनी के सीएसआर फंड से कोरोना महामारी में सहयोग का अनुरोध किया था। इस मामले में कंपनी ने सीएसआर फंड के रूप में 20 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। ये सीएसआर फंड से हमने 20 लाख रुपए जिला कलेक्टर को दिलवाए हैं। उसी तारतम्य में ये 30 बाइसेप मशीन आई हैं जो इक्वल टू वेंटिलेटर का काम करेंगी। और क्योंकि हमको ये दिख रहा था कि जो फ्लो से ऑक्सीजन पावर से देना है, जो बहुत क्रिटिकल मरीज हो जाता है और एकदम उसको फ्लो से लगता है या वेंटिलेटर पे लगाओ, तो ये जस्ट लाइक वेंटिलेटर का ही काम करने वाली मशीनें हैं, जिसको हमने 10 तो हम लगा रहे हैं आरडी गाड़ी में और 15 लगा रहे हैं चरक में। हमारे 15 लोगों की यहाँ व्यवस्था हो गई और 5 हम लगा रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में, सोमवार को वो भी चालू हो जाएगी, जिससे कि हम लगभग 30 लोगों को जो वेंटिलेटर की जिनको ज़रूरत है एकदम उनको वेंटिलेटर का काम करेगी और उनकी हम जान को बचा पाएंगे और ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। ये 20 लाख रुपए की 30 मशीन आई है। इस फंड से 30 मशीनें खरीदी गई, जिसमें से 10 मशीनें आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज, 15 मशीनें चरक अस्पताल और 5 मशीनें आयुर्वेदिक कॉलेज में दी गई हैं। इस मशीन की क्षमता वेंटिलेटर के बराबर ही है। हमारे सांसद महोदय माननीय फिरोजिया साहब की तरफ से हमारे को बाईपैप मशीन्स उपलब्ध कराई गई हैं और ये मशीनें बहुत सहायक होंगी ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये एक रूप से वेंटिलेटर्स जो हम यूज़ करते हैं उससे पहले हम बाईपैप पे यूज़ करते हैं और मरीज़ को इससे काफ़ी राहत मिलती है, दूसरी वेंटिलेटर्स की कमी नहीं होती है, तो इससे बहुत लाभ होता है मरीजों को। हमने चरक में उपलब्ध कराई है उन्होंने। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट, मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर, एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो, मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें, अब इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। अब देखना ये होगा कि इन मशीनों को सुचारू रूप से अस्पताल वाले उपयोग कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, उज्जैन। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।